लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, ये फोटो देखिए, सिर के दाहिने हिस्से में चोट का निशान है सर। मैंने सारे एंगल से फोटो ले लिए हैं। अच्छा, अभी और फोटो। कामरूल सर, यहाँ की सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज सर। देना। मुझे तो लगता है बहुत ही करीब से इसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। ये देखना तुम्हारा काम है? जी नहीं सर। तो फिर ये किसका काम है? पोस्टमार्टम का सर। तो फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो सर। चलो उठाओ, आ जाओ, उठाओ इसे। जी, मैं मामले की जांच करता हूं, चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू सर। सर, किसी ने इस लाश को क्लेम किया है क्या? जी नहीं सर। आसपास के थाने में पता किया? सर, हर एक थाने में पता तो किया है, हमें किसी भी थाने से मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली है सर। लाश के सिर में एक 2.0 का बुलेट मिला है। चल
तो मतलब ये कि इसे लावारिस लाश बताकर दफनाना पड़ेगा। सर, इस केस की सच्चाई पता लगाना मुश्किल लग रहा है। सुनो अतिक, लाश और सच ये दोनों छुपाए भी नहीं छुपते हैं। सर, छानबीन करते रहो, मैं भी पता करता हूँ। ले आओ। सर। सुनो, लाश को फिलहाल सीआईडी मॉर्ग में भिजवा दो। पेशेंट का फॉर्म भर दीजिए। मुझे सही उंगली पे रिंग पहनाओगे बताओ? अरे छोड़ो ना ये रिंग विंग का नाटक, जरा गौर से एक बात सोचो। दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं सुमन 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 बोले जा रहे हैं। हमारे गाने लाखों लोगों की जुबान पर है, शहर की गली गली में मिराकल हो जाएगा। कितना अच्छा लगता है ना? ये ख्वाब तो तुम कब से देख रहे हो, लेकिन कोई मिरेकल हो ही नहीं रहा। अरे हो नहीं रहा ना, हो जाएगा। मुझे क्या लगता है जानू, तुम थोड़ी ज्यादा ही निराश हो। अगर ज्यादा निराश हो जाओगी ना तो मैं सपनों की परियों के साथ भाग जाऊंगा। अच्छा जी, तब क्या करोगी? मैं तुम्हारे सपनों की परी की पहले पैर तोड़ूंगी, उसके बाद एक राजकुमार से शादी करके अपना घर बसाऊंगी, और फिर मैं अपने घर में कुत्ता पालूंगी। उस कुत्ते का नाम रखूंगी सुमन। उस कुत्ते सुमन को चूमूंगी, प्यार करूंगी और थप्पड़ मारूंगी, ऐसे मारूंगी। समझ रहे हो ना? सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आजकल मुझे तुम्हें खोने का डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो। तुम्हें खोने का डर मुझे बहुत ज्यादा सता रहा है। पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं आंखें खोलूं तो तुम देखो, आंखें बंद करूं तो भी तुम देखो, तुम पास में ना हो तो भी तुम्हें फील करती रहूं, तुम साथ में ना हो तो भी तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। सुमन, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के हर पल में सुमन हो, सुमन ही हो मेरी दुनिया। तुम्हें ना ये सब कुछ पागलपन लगता होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर,
मैं तुम्हारी जिंदगी में ना होती तो भी तुमसे कोई प्यार करता, लेकिन नायरा की तरह तुम्हें कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता। मार डालूंगी तुम्हें, तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। सिस्टर, मेरा पेशेंट कैसा है? आपका कौन सा पेशेंट? क्या मतलब कौन सा पेशेंट? अभी तुम्हें लेकर आई थी उन्हें स्ट्रेचर पर। मैम, आपका पेशेंट लेकर आई? आप लोग ही तो स्ट्रेचर पर उठाकर लेकर आए। रोड एक्सीडेंट का पेशेंट है, सुमन मेरे पेशेंट का नाम है। आप खुद भी तो वही थी। आप समझने की कोशिश कीजिए, पिछले 3 घंटे में कोई पेशेंट नहीं आया। अरे मैं खुद पेशेंट लेकर आई हूँ, आप बोल रहे हैं कि 3 घंटे से कोई पेशेंट नहीं आया? आपका दिमाग तो ठीक है? रास्ते मैम सुनिए तो, ये कौन है? मैम मैं देखती हूँ। देखती हूँ मतलब? ये मेरा पेशेंट सुमन नहीं है। हम बाहर चलकर बात करें। Oh my God, यहाँ क्या हो रहा है? मजाक चल रहा है क्या? तुम लोगों से नॉर्मली बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम बाहर चलकर बात करें। चुप! आप ये क्या कर रही हैं? एकदम चुप! पता नहीं यहाँ क्या नाटक चला रखा है। हम बाहर चलकर बात करते हैं। हेलो, 999? जी, 999 से बोल रहा हूँ। बोलिए क्या बात है, क्या मदद कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम सर। सर दरअसल वो मैं, मैम प्लीज बाहर चलिए। एक रोड एक्सीडेंट का पेशेंट लेकर आई थी हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल से पेशेंट गायब है। उन्हें कौन लेकर आया था? और कोई नहीं सर, मैं खुद लेकर आई थी थोड़ी देर पहले। जी, जरा एड्रेस बताइए। स्टार हॉस्पिटल। ठीक है, हम लोग देखते हैं। प्लीज आप लोग आ जाइए, अभी आ जाइए। प्लीज चलिए। थैंक यू सो मच। मैम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बिल्कुल चुप जाओ, अपने सुपरवाइजर को बुला कर लाओ। कहा ना, जाओ बुला कर लाओ। ठीक है, पागल गई। हेलो, सुनो राजू, अच्छा बता सकते हो कि सुमन कहाँ है? आप कौन? अरे मैं नायरा, सुमन का रोड एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। वो केबिन में नहीं है, हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। वो कहाँ है मुझे पता है। अच्छा वो क्या बिल्कुल भी बदला नहीं है? इंसान किस लेवल का एहसान परामर्श हो सकता है उस कमीने को देखकर पता चलता है। वो जहाँ भी है मुझे उसके पास लेकर चलो, इसका फैसला मैं करूँगी। ठीक है, तुम आ जाओ। ओके मैम, काइंडली आप सीसीटीवी रूम में चलिए। अच्छा आप लोगों के मैनेजमेंट सिस्टम का ये हाल क्यों है? हाँ, पेशेंट को होश आए तो क्या वो हॉस्पिटल से अकेले निकल जाता है? फालतू लोग कहीं के। ए हट! सर आइए, इस तरफ आइए सर, आइए सर। फुटेज को दोबारा चलाइए। जस्ट बैक बैक फॉरवर्ड। देखो तो जरा वहाँ पर कैसे सोया हुआ है, इसे ढूंढते हुए मैं पागल हो गई। देखो क्या हालत है। सुमन, ए सुमन, पूरा दिन यहाँ नशा करके पड़ा रहता है। जा इधर से। जब भी आता है तो इस इल्यूजन को साथ में लेके आता है। ये तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही थी, इसलिए लेकर आया हूँ। भाग, दोस्ती के लायक नहीं है तू, भाग जा। कभी मुंह मत दिखाना मुझे। तुम हॉस्पिटल से बिना बताए क्यों आ गए? हाँ, पूरे हॉस्पिटल में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। कहाँ थी 1 साल से? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे बिना 1 घंटा भी 1 साल से ज्यादा लगता है मुझे। नहीं रह सकता मैं,
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे नायरा, माफ कर दो, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मुझसे गलती हो गई नायरा, मुझे माफ कर दो नायरा। सर, अरे अतीक, बैठो बैठो ना। सर, एक सीरियस प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। कैसी प्रॉब्लम? हॉस्पिटल से 999 पर एक कॉल आता है, मैं हाईवे पे था तो मुझे इन्फॉर्म किया गया, वहीं था तो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने चला गया। जाकर देखा सर, तो एक औरत ने एक कंप्लेन की थी, वो एक पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अब वो पेशेंट गायब है, लेकिन वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये कह रहा है कि वो पेशेंट को लेकर आई ही नहीं थी। वेरी इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस भी है सर। इस हार्ड डिस्क में मैं हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज लेकर आया हूँ, आप एक बार देख लीजिए। देखता हूँ। वो तो उस पेशेंट के साथ जा रही है। और फॉर्म भी भर रही है। अच्छा सुनो, मेरा नया नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, ठीक है? और खबरदार, वो सब फालतू नशा बिल्कुल भी मत करना। क्या कहा, कुछ समझ आया? देखो मेरी तरफ, समझ गए? ओके। और कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन करना, समझ रहे हो? सुमन, मुझे अभी निकलना होगा। कहाँ जा रही हो? मेरे घर। मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। हस्बैंड? रूबेल। वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छे इंसान है। तुमसे एक दिन मुलाकात करवाती हूँ। तुम मजे कर रही हो, राइट? दरअसल जब समझ आया कि तुम्हारे साथ नहीं बन रही है, घर से बार बार शादी का प्रेशर आ रहा था। तुमने भी तो ना कर दिया था, मम्मी पापा को ना बोलने का ऑप्शन नहीं था। घर का प्रेशर, तुम्हारा ना कर देना, इन सारी बातों से परेशान होकर मजबूरन हाँ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? कैसे कर पाई तुम ये? आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ, बताओ? बोलो, तुम्हारे हस्बैंड को पता भी है कि तुम्हारे साथ मेरा कितना गहरा रिश्ता था? पता है तुम्हारे हस्बैंड को ये बात? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मतलब, क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है? हिंदी में बात कर रहा हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सब लोग यहाँ देखिए, आप सब लोग देखिए, ये लड़की प्यार तो मुझसे करती है लेकिन शादी किसी और के साथ कर ली। अरे कैसा घर और कैसा परिवार, तू तो चीटर है, सब लोग जानते हैं, तेरा हस्बैंड जानता ही है। तुम अपने होश में अच्छा? नहीं हो? छी, रुक जा नायरा, नायरा, नायरा रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? नायरा, नायरा, क्या हुआ बोलो, गलती क्या थी मेरी, क्या गलती थी मेरी? तुम्हारा हस्बैंड मुझसे ज्यादा सुंदर है हा? या तुम्हारा हस्बैंड मुझसे ज्यादा अमीर है? बहुत सारे पैसे, धन दौलत, घर गाड़ी, इन सब का फुल पैकेज है क्या, इसलिए उससे शादी की तुमने? नायरा कहां गई थी? कब से फोन कर रहा हूं, तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। तुम्हें पता भी है कितने टेंशन में था? क्या तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं बहुत थक चुकी हूं रुबेल, प्लीज। उफ,
मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब समझ आया तुम्हारे साथ नहीं बन रही है। रूबेल वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छे इंसान है। हेलो नायरा। सुमन ये सब क्या है? सुमन तुम हमारी पर्सनल फोटोज क्यों भेज रहे हो? ये कोई और देख लेगा तो पता है ना क्या होगा। मैं जानता हूँ नायरा, जैसे मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहता हूँ ना, बिल्कुल वैसे तुम मुझे देखने के लिए बेताब रहती हो। तुम मुझे समझते भी हो? मुझसे बेहतर तुम्हें कौन समझेगा बताओ। अच्छा सुनो ना, मुझे ना एक गाना गाना गाने का बड़ा मन हो रहा था नायरा। तुम मैं सपना देखता हूँ और एक एक दिन बीतता जाए। तुम क्या चाहते हो सुमन? मेरी आंखें मुझसे नाराज है इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ नायरा। तुम आओगी ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड सुमन, मैं अभी मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। चाहे सब कुछ बदल गया हो लेकिन मैं तो नहीं बदला। मैं पहले जैसा सुमन ही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। तुम आओ ना प्लीज प्लीज, एक बार आ जाओ। आ जाओ ना प्लीज प्लीज। ठीक है मैं आऊंगी। Oh God, shit.
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम खा नहीं रहे? खा तो रहा हूं, रात को नींद पूरी हुई? हाँ, आंख खुली तो सुबह हो गई थी। कल के लिए सॉरी। कहाँ गई थी? याद नहीं है। अच्छा नायरा, तुम अकेली मत निकलना। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। श्योर। ओके, टेक केयर, बाय। हेलो। मैंने दरअसल सॉरी बोलने के लिए फोन किया है नायरा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। कल की बातों के लिए सॉरी कहने के लिए ही फोन किया मैंने तुम्हें नायरा। अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। ओके। क्या करते रहते हो हर वक्त फोन पर सुमन? देखो, बार बार शादी के रिश्ते तोड़ते तोड़ते मैं बहुत थक गई हूँ। अब की बार लास्ट टाइम है। तुम्हें पता नहीं है मम्मी पापा के साथ परेशानी हो रही है। अगर इस बार कुछ हुआ तो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। ठीक है ना, तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो फिर चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। ये सब प्यार व्यार को गोली मारो। शादी के बाद हमारा प्यारा सा परिवार होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर हैप्पी फैमिली। कौन सी शादी, कौन सी फैमिली, कैसा बच्चा, फिर शुरू कर दिया तुमने। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में अभी से ही क्यों आ रही हैं? देखो, तुम हमेशा से बचपना मत किया करो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अरे बाबा, मैं तो सीरियस ही हूँ, महा सीरियस हूँ। मेरे बैंड को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरे बैंड का जब तक अच्छा नाम नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुनो, शादी के बाद कुछ रुकेगा नहीं, तुम तो एस्टेब्लिश्ड हो गए ही। हमारा बैंड है, हम काम करेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ है? सुमन इधर। अरे बाबा, मैं शादी वादी नहीं कर पाऊंगा। क्या समझ में नहीं आता? अगर मम्मी पापा ने शादी करवा दी? अरे तो वो तुम अपने तरीके से मैनेज कर लो ना। मुझसे अब और मैनेज नहीं, क्यों नहीं हो रहा है मैनेज तुमसे? कितनी बार शादी तोड़ू मैं? हाँ तो जाओ यहाँ से, चली जाओ, जाओ शादी कर लो, जाओ शादी कर लो, जाओ। एक शब्द मत बोलना, चुप। शादी से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, जाओ तुम, जाओ शादी कर लो, जाओ। सुल्तानपुर निवासी जनाब मोहम्मद फकरुल बसार की बेटी नायरा बसार के साथ 50,01,000 मेहर लेकर निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बोलो, निकाह कबूल है? बोलना, कबूल है, कबूल है। नायरा। सुमन आया है, जरूर कुछ ना कुछ तमाशा करेगा। लगता है थोड़ी सी देर कर दी। मुझसे शादी करोगी नायरा? क्या हो रहा है ये? अरे अरे, ये क्या? अरे ये तो अंगूठी पहना रहा है, कुछ तो करो। चलो। अरे रुको, ए रुको, नायरा नायरा रुको, ए रुको, ए कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, छोड़ो मुझे। अरे छोड़, छोड़, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़कर एक लड़की से शादी करने जा रहे थे। अरे पर उसकी शादी तो मुझसे हो रही है। लेकिन क्या उसे पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? बताओ, तू है कौन? तुम इन लोगों से इतना क्यों डर रहे हो? तुम चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह सकते कि राजू राजू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू? तुम फिक्र मत करो, ऐसे कई देश है जो हमारे प्यार को स्वीकारते हैं, हम वहीं जाकर सेटल हो जाएंगे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नायरा, चलो 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 यहाँ से। अरे जल्दी कुछ करो, वो लोग तो जा रहे हैं। जाने दो उसे। ये लो, देखो आ गया भाई।
अरे यार तू तो साले ओरिजिनल गे निकला रे। हस्बैंड के तौर पे लड़का बुरा नहीं था, एटलीस्ट सुमन से तो हैंडसम ही था। तो फिर तू शादी कर लेती, मुझे खामखा देवदास क्यों बनाना चाहती है? बहुत उड़ रहा है ना। लड़का हैंडसम भले ही था पर मेरे लड्डू सुमन की तरह तो नहीं था। उस लड़के से जो भी शादी करेगी ना वो एक ही हफ्ते में मर जाएगी। क्यों? ऐसा लगता है कि वो ब्रश ही नहीं करता है, इतनी बदबू आ रही थी। ए, तुम लोग अपनी अपनी कॉफी उठा लो और मैं तुम्हें देती हूँ। थैंक यू। लो लो। सुनो, शादी के बाद तो बच्चे बच्चे पति परिवार को लेकर बिजी हो जाऊंगी। तब तो तुम लोगों के साथ ऐसे टाइम पास नहीं कर पाऊंगी, समझे? मुझे लगता है तुम लोगों को इस बारे में सीरियस होना चाहिए। हम लोग तो महा सीरियस हैं। सिर्फ मेरे सुमन को काम शुरू करने दो, उसके बाद हम अपना घर बसा लेंगे। तुम लोगों को एक खुशखबरी देती हूँ, बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। सच कह रही हूँ। तो इसी खुशी में हमारे कंपोजिशन में एक गाना हो जाए। घर की ऐसी हालत क्यों है? सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ। बाहर से बिखरा हुआ पता चल जाता है। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, आओ। सुमन, ऐसे पागलपन क्यों कर रहे हो? हर औरत चाहती है ये उसके लिए एक ही सही पर पागल आशिक रहे। तुम ऐसा नहीं चाहती कि मैं कोई पागलपन करूं? नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूं तुम शादी करके अपना घर बसा लो। देखो, इंसान अपनी जिंदगी में गलती करता है, लेकिन उस गलती को गले लगाकर जीने का मतलब है सपनों की दुनिया में जीते रहना। गलती? चलो सब कुछ भूल जाते हैं। गलती? जिस रिश्ते के लिए तुम हर वक्त भगवान को शुक्रिया अदा करती थी, अभी वही रिश्ता तुम्हें गलती लग रहा है? क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी? बोलो। सॉरी। बोलो क्या? सॉरी बोलो, से सॉरी टू मी। शिट शिट शिट, सॉरी, सो सॉरी नायरा। सॉरी नायरा, गलती हो गई यहाँ, मुझे माफ कर दो नायरा। सो सॉरी, सॉरी मुझसे गलती हो गई नायरा। आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी नायरा। तुम सामने आती हो ना तो मुझे कुछ हो जाता है नायरा, मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, अपना कंट्रोल पावर खो देता हूं मैं। क्या हो यार तुम? मैं नायरा, 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 सो सॉरी, सो सॉरी, सॉरी मुझसे गलती हो गई नायरा, सो सॉरी। लेकिन मुझे बताओगी? हे, कि मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बोलो। मुझे छोड़कर क्यों चली गई नायरा? जरूरत से ज्यादा अभिमान ने मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने दिया। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। मुझे भी तो नाराज होने का हक था।
मैडम, कल ऑफिस से घर आने के बाद पूरे घर में पानी हो गया था। ऊपर जाकर देखा तो ये बाथटब में बैठी हुई थी, वहीं से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताओ प्लीज। क्या बताऊं, आई डोंट नो क्या बताना है। तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आए हो? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर हम लोग किसी और दिन मिल सकते हैं? हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ये बहुत जरूरी है, इससे काफी परेशानियों का हल निकल जाता है। रुबेल चले? मैडम तो फिर हम चलते हैं। ठीक है। ठीक है। नायरा, तुमने डॉक्टर के सामने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहती? तुम जो उल्टे सीधे सपने देखती हो। तो क्या है, तुम इन सब बातों पर यकीन करते हो? डिस्कस ना करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे छोड़ो भी। कैसी हैं? जी ठीक हूँ, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। वो मेरा नाम हामिद है, सीआईडी ऑफिसर हूँ। आप तो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। दरअसल आपने उस दिन 999 पर फोन किया था ना, हॉस्पिटल के सारे फुटेज देखे हैं। रुबेल चलो। आपके हस्बैंड है? मेरा नाम रुबेल है। हेलो, आप अपना कोई विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं? हाँ, मुझे श्योर। गप्पे मारने का शौक है मुझे। हाँ, किसी दिन आपके ऑफिस में आके गप मारूंगा। ये लीजिए। अच्छा, थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल, कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। सी यू। वैसे क्या बात है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरी ऑफिस में? ये क्या बात हुई, एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? हाँ क्यों नहीं आ सकता, दूसरा कोई भी आ सकता है, पर तुम नहीं आ सकते। अजीब औरत हो, मुंह पे ही बेइज्जती कर रही हो। सच बोलो तो बेइज्जती लगती है। चलो क्या बात है, खुलकर बताओ। पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो और तुम्हारा वो गधा हस्बैंड कैसा है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मेरा गधा सा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है। ओ। उसे अभी प्रमोशन मिला है तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया है। ओ। तो इसका मतलब हुआ कि मैं उसे अब गधा नहीं बुला सकता ना? ये बोलने का चांस तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम सीआईडी ऑफिसर हो तो बोल सकते हो। अच्छा, थोड़ी देर पहले यहाँ से एक कपल निकल के गए, मिस्टर रुबेल और क्या तो नाम था उसकी वाइफ का, वो दोनों तुमसे ही मिलने आए थे ना? हाँ आए थे। अच्छा, उन लोगों का केस क्या है बताओगे? सुनो, हर हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ पागल होती है। अच्छा, एक केस लेकर मैं तुम्हारे पास आया था। बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट का एक जूनियर ऑफिसर, आतिक नाम है उसका, उसके पास 999 पर एक कॉल आता है। वो दौड़ के हॉस्पिटल जाता है। एक औरत एक पेशेंट को लेकर आती है, उसे एडमिट करने की कोशिश करती है, उसके बाद वो पेशेंट गायब। मैनेजमेंट का कहना है कि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पेशेंट आए और फिर गायब हो जाए? वो जो कह रहे हैं सच भी हो सकता है। 2016 में तमिलनाडु में ऐसा ही एक केस हुआ था। पूरा सिस्टम बोल रहा था कि पेशेंट नहीं है, सिर्फ उस पेशेंट की वाइफ बोल रही थी कि उसने अपने हस्बैंड को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अच्छा? बड़ी अजीब सी बात थी। ओह, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। एक्चुअली वो औरत तो एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट थी। कई बार ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, तुम क्या जानना चाहते हो बताओगे? मैं दरअसल चाहता था कि अगर तुम मुझे आसान भाषा में समझा सको, ऐसे केस में क्या क्या होता है, सिम्टम क्या क्या है, लोग कैसे बर्ताव करते हैं। एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, पेशेंट के साथ काफी दिन बात करने के बाद ही पता चलता है। लेकिन ऐसी कोई बात जो मेंटली बहुत इफेक्ट करती हो, जैसे कि रेप, फाइनेंशियल इश्यूज, बिट्रेयल, सीक्रेट रिवील, ऐसी कोई परेशानियां हो तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बाय द वे, तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो बताओगे? समथिंग इज रॉन्ग। मैं श्योर नहीं हूं, नॉट इवन क्लोजर, बट देयर इज समथिंग। क्यों बे? मैं तुझे फोन कर रहा हूं तो फोन क्यों नहीं उठा रहा था? चल माल दे। माल? कौन सा माल? हाँ, तेरा पहले का उधारी अभी बाकी है, पहले वो पैसा दे। अबे माल का पैसा कभी डूबा है क्या मेरे से? ए, पहले माल दे, चल पार्टी खत्म। ए, चलो उठो उठो उठो, चलो पार्टी खत्म। कोई नहीं जाएगा, चुपचाप बैठो। चलो चलो पार्टी खत्म, चलो चल जा जा जा, पार्टी खत्म हो गई। चल रहे तू भी जा, चल चल चल, निकल निकल, बाहर निकल, सब लोग निकलो। अबे चलना, देख क्या रहा है, चल निकल। एक सुमन, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। सुमन बोला ना, बैग देख, तू बैग चाहिए डाला है। बैग एक तो मेरे पे हाथ उठा सकता है। बैठ ना सुमन, बैग सुमन, बैग बैठ ले, चल बैग बैठ बैठ बैठ। चल माल दे पहले, मुझे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। माल दे पहले पैसा दे, फिर माल माल दे, माल दे जल्दी, चल माल निकाल, माल दे, मार दूंगा नहीं तो। माल दे, निकाल माल निकाल।
तू ये सही नहीं कर रहा है। अबे तू फिर से बोल रहा है, चल दे माल। ए बच्चा पार्टी लोग, चलो जाओ यहाँ से, निकलो, चलो निकलो, चलो जाओ, निकलो भाई को। चलिए हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुपरवाइजर बोल रहे हो ना? जी बोल रहा हूँ। मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो लड़की अकेले फॉर्म लेके फिलअप कर रही थी। जी सर। वो फॉर्म तो आप लोगों के पास होगा ही, एक फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। जी बस अभी भेज देता हूँ सर। ओके थैंक यू। नायरा, तुम्हें ये फिल्म देखनी चाहिए। कौन सी फिल्म? वॉल स्ट्रीट। बिजनेस लैंडमार्क के तौर पर अगर कोई फिल्म है तो वो ये है। मैंने मैंने देखी है ये फिल्म। माइकल डगलस, राइट? सुमन, रात बहुत हो गई है, घर जा। मुझे भी घर जाना है, मैं जा रहा हूं। ये देखो, हम लोग अभी छत पर हैं और चिल कर रहे हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? पानी वगैरह कुछ चाहिए? लेकर आऊं क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। सुमन, तुम इतनी बार मुझे फोन क्यों कर रहे हो? इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो मुझे? और ये वीडियो क्यों भेज रहे हो? अजीब बात है, पुराने फोटोज और वीडियोस बार बार क्यों भेज रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे कॉल्स काट रही हूँ, फिर भी फोन किए जा रहे हो। मैंने नशा किया है। क्या? ये ड्रग्स को लेकर अपने साथ मजाक कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है नायरा, किसके लिए ड्रग्स लेता हूँ, कब ड्रग्स लेता हूँ, किस वजह से ड्रग्स लेता हूँ। तुम्हें पता नहीं नायरा, तुम सामने नहीं होती हो तो मुझे क्या हो जाता है। ये दुनिया मेरी नहीं रह जाती नायरा, बिखर सा जाता है सब कुछ। हाँ तो मैं अभी क्या करूँ? हाँ बताओ मुझे। तुम ड्रग्स लेकर मरो चाहे कहीं भी जाओ, मुझे क्या करना है? आखिरी बार आ जाओ मिलने। फिर से वही बात। तुम्हें पिछली बार कहा था ना कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। हमारे रिश्ते के बारे में भूल जाओ, अभी मैं मैरिड हूँ। बस एक बार मिलकर जाओ नायरा, और कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे, कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। एक ही बात कितनी बार बोलोगे? हाँ, इसके बाद तो फिर कहोगे कि मिलने आऊं। आखिरी बार के लिए प्लीज। ओके। हेलो सर। हेलो, मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ। किससे मिलना है सर आपको? मुझे मिस्टर रुबेल से मिलना है। जी सर, थोड़ी देर बैठिए। ओके।
सर, सीआईडी ऑफिसर मिस्टर हमीद मिलने आए हैं। कौन? मिस्टर हमीद। भेज दो उन्हें। जी। अरे तुझे बोला ना पैसे भिजवा दूंगा, तो अभी जाए यहाँ से, पैसे भिजवा दूंगा तुझे। अबे ऐसे क्या दिख रहा है, जा ना यार, चल चल चल, पैसे भिजवा दूंगा मैं, चल बाद में पैसे। चिल ही तो कर रहा हूँ, पैसा मिलेगा तो चिल, पैसा नहीं मिलेगा तो किल। थोड़ी देर के बाद नायरा आने वाली है, जरा समझा इस पागल को, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। प्लीज जा 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 जा, समझा समझा इसे, जा। सुन तू जा, मैं तुझे पैसे पहुंचा दूंगा, जा। राजू तुझे क्या लगता है आज मैं मेरे पैसे लिए बगैर चला जाऊंगा? देख इतने महंगे महंगे गिटार है ना, इनको बेचकर भी अपने पैसे वसूल कर सकता हूँ राजू। हाँ हॉर्ड मचा, जोक करना है कर, मर। ए राजू इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? पैसों की तलाश में, थक गया हूं मैं। ये कौन है? हाय। अरे तुम आओ ना, तू जा, शाम को मिलता हूँ, तू जा। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करना, मैं यहाँ पूरा दिन बैठने नहीं आया हूँ। ये आदमी है कौन और ये ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे वो ये जो आया, कुछ पैसे उधार लिए थे मैंने इससे। किस चीज के लिए? ड्रग्स के लिए। अरे कोई परेशानी नहीं है, तुम शांत रहो ना। पैसे? राजू गया है पैसे का जुगाड़ करने। तुम बता नहीं पा रहे कितने पैसे? तुम परेशान मत हो, राजू गया है ना पैसों का इंतजाम। बात कर रहे हो कितने? 15,000। तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, राजू इंतजाम करके ले आएगा। ये लो, उसे पैसे दो और उसे भगाओ यहाँ से, जाओ देकर आओ, राजू आएगा तो मैं उसे ले लूंगी। ये ले, अब जा भाग। अरे जाना, चल निकल निकल, भाग, चलता हूं, भाग। टेंग 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 टेंग। सुमन तुम अभी भी ड्रग्स लेते हो ना? पहले जैसा नहीं लेता हूं, बहुत कम लेता हूं, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया है, आज के बाद से मैं बिल्कुल भी ड्रग नहीं लूंगा, नॉट अ सिंगल ड्रॉप। और कितनी बार तुम एक ही बात बोलोगे? हर बार बोलते हो आखिरी बार, हर बार बोलते हो लास्ट टाइम, और कितनी बार एक ही डायलॉग मारोगे तुम? नायरा मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। ये लो, मैं अपनी सर की कसम खाता हूँ, मेरे सर की कसम, मेरी कसम, मैं अब बिल्कुल भी ड्रग नहीं लूंगा, वादा करता हूँ तुमसे, ट्रस्ट मी नायरा। मैं ये जानता हूँ कि मेरी हालत, मेरे दिल की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है नायरा, मैं, सेव मी प्लीज, मैं ड्रग नहीं लूंगा नायरा। सच्ची? सच्ची। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सॉरी आपने रिसेप्शन में जब बोला तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, बुरा मत मानिएगा, और मेरी वाइफ ने ये बात मुझसे शेयर नहीं की थी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। अरे नहीं, ये सब तो होते ही रहता है, और इस देश के लोग पुलिस वालों को थोड़ा कम ही पहचानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वो हॉस्पिटल के बाद और कुछ नया तो नहीं हुआ है ना? नहीं एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दरअसल आपके वाइफ के कंडीशन के बारे में एक दो बातें पूछना चाहता था, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं प्लीज। अच्छा उस दिन आप लोग डॉक्टर अफरोजा के पास गए थे ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा उसी से मुझे पता चला कि आपकी वाइफ मानसिक तौर पर बीमार है। अच्छा इस बीमारी से पहले तो वो अच्छी ही थी ना? हाँ अच्छी थी। कोई एक्सीडेंट हुआ था? नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ओह अच्छा आप लोगों का कोई बच्चा है? नहीं। सॉरी एक्सक्यूज मी, सच कहूँ तो आपके जैसा हस्बैंड मिलना मुश्किल है, आजकल इतना सैक्रिफाइस कोई नहीं करता है। सैक्रिफाइस क्यों बोल रहे हैं, प्यार भी तो कह सकते हैं, और आप भी अपनी बीवी से जरूर प्यार करते होंगे। हाँ करता था। थैंक यू सो मच, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। माय प्लेजर।
नायरा, तुझे ना सुमन को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं है। तेरे जाने के बाद उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और इस वजह से वो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। अचानक से गुस्सा हो जाता है। जा तू जा, जा निकल। अरे जा, जाना। ये क्या? ये तो पागल हो गया है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। क्या मतलब पागल? सुमन बेकार गिटार बजाता है ना। जाओ निकलो यहां से। सुमन को ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ होती है, ड्रग के लिए पागल सा हो जाता है। ला दे। नहीं है सिगरेट, तेरे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। अरे तेरे पॉकेट में निकाल। नहीं है, निकालना। अरे पागल हो गया क्या? नहीं है मेरे पास। प्लीज नायरा, मैं मानता हूं तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन इंसानियत के नाते मदद कर दे उसकी, प्लीज। सरप्राइज। ओ ठीक से पता किया है ना? जी सर, 3 दिन से कड़ी नजर रखी है, सब ठीक है सर। दोबारा गलत इंसान को टारगेट तो नहीं किया? नहीं सर, 100% है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है। वाव, वाव। नायरा ने सही कहा था, यू आर टैलेंटेड। कंपोजिशन बहुत ही अच्छा है जी। सिर्फ मिक्सिंग और साउंड डिजाइनिंग और भी किसी अच्छे प्रोफेशनल से करवाएंगे तो आई बिलीव इट विल वर्क, इट विल बी अ बिग हिट। थैंक यू सो मच भाई। सुनो सुनो जी, सुबह तुम एक काम करो, तुम और 2 गाने जल्दी से रेडी करो जी। उसके बाद तुम्हारे 3 गानों को मैं हमारे देश के top 320 singers से गवाऊंगा। 1 महीने डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। इट मस्ट बी वायरल, इट विल बी वायरल। लेकिन भाई, मैं किसी दूसरे के लिए गाने नहीं गाता। मतलब मेरा गाना भाई मैं ही गाऊंगा, दूसरा कोई नहीं। देखो सुमन, तुम बहुत इमोशनली बात कर रहे हो। सबसे पहले अपनी पोजीशन बढ़ाओ, अपनी एक जगह तैयार करो, उसके बाद अपनी मर्जी से गाना। ये 3 गाने क्या तुम्हारे आखिरी गाने? आखिरी गाने नहीं है, लेकिन उसके बाद सैकड़ों गाने बनते रहेंगे, मुझे अच्छे से पता है ये। एनीवे, नायरा के थ्रू आए हो तो ये सब बोला। तुम्हारा गाना, तुम्हारा डिसीजन, बट आई मस्ट से तुम वाइजली बात नहीं कर रहे हो और मौका बार बार नहीं आता। तुम्हें मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लबीब भाई, मुझे एक बात बताएंगे क्या? बोलो। अगर मैं गाऊं तो परेशानी क्या है? सुमन, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें कोई पहचानता नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोलो या इन जनरल ऑडियंस बोलो, तुम्हारा कहीं कोई फील नहीं है। और एज अ बिजनेसमैन, आई विल इन्वेस्ट व्हेन देयर इज नथिंग। देन इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। ऑफ कोर्स, ऑल अबाउट बिजनेस इन अ वे और आधा वे। नायरा, तू अगर जाती तो अच्छा होता। क्यों? तू सुमन को समझती है ना? तू अगर साथ रहती तो वो थोड़ा शांत रहता है। हाँ समझती हूँ, लेकिन सुमन के साथ कोई देख लेता तो घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि लबीब भाई मेरे बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड है, तो समझ रहे हो ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। हाँ फिर तो तूने सही किया, अगर जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। वो देखो हमारे म्यूजिशियन आ रहे हैं। मीटिंग का क्या हुआ? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे वो लबीब भाई आलू प्याज का धंधा करते हैं। मतलब क्या है? मतलब मेरा गाना, मेरा कंपोजिशन, लेकिन गाएगा कोई दूसरा, जिसके डिजिटल फैंस ज्यादा हैं, मेरी मेहनत से लिखे हुए गाने गाएगा कोई और मैं पीछे बैठ कर क्या हारमोनियम बजाऊंगा? बट एज अ कंपोजर तुम्हारा क्रेडिट तो रहता। कंपोजर के नाते क्रेडिट का मैं क्या करूं? लेकिन मैं कंपोजर बनने नहीं आया हूं। मेरी मेहनत से लिखे हुए गाने की एक लाइन भी किसी और को नहीं दूंगा मैं। सुन सुमन, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और नायरा की भी इज्जत की बात है यार। लबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। मतलब अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुमने जिस लड़के को भेजा था वो अच्छा गाता तो जरूर है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा मतलब है कि मैं जिनके साथ काम करना पसंद करता हूँ वो वैसा नहीं है। उसे एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बहुत घमंड है उसे। उसके साथ काम करना मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है, मैं उसके पीछे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा नायरा, सॉरी। भैया उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। एक बात है भैया, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन प्लीज अब बस एक मौका दीजिए, उससे गाना रिकॉर्ड करवा लीजिए। ट्रस्ट मी भैया, वो बहुत अच्छा गाएगा। नायरा तुम सारा खर्चा उठाओगी क्या? जी भैया प्लीज। अच्छा ठीक है, जब तुम सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो तो मैं उसे एक मौका दे सकता हूँ, ठीक है? भैया वो मैं ये कह रही थी कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये सुमन को मत बताइएगा। ओके नायरा, मैं अभी कॉल करता हूँ उसे, अभी कॉल करता हूँ। ओके ओके। लबीब महमूद। देखो सुमन, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जी भैया। तो फिर रिकॉर्डिंग में मिलते हैं। ठीक है भैया। क्या कहा? रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं वो, दिस इज सुमन, समझ गए? उनको अगर मैं रिजेक्ट नहीं करता तो पूरी जिंदगी मुझे पीछे बैठकर हारमोनियम बजाना पड़ता। कुछ समझ में आया? नहीं सर। तुम समझ भी नहीं सकते। अरे आप यहाँ? हामिद सर, कैसे हैं? ठीक हूँ। ईंट की भट्टी में क्या कर रहे थे? ये ईंट की भट्टी मेरे दोस्त की है। ओह, इसके मालिक तो तुहीन साहब है ना? हाँ हाँ, तुहीन। मैं जानता हूँ ना, वो तो अभी अमेरिका में है। वो अभी अमेरिका में है, मुझे पता नहीं था। ओके हामिद सर, मैं चलता हूँ। हाँ जरूर, ऑफिस में चाय पीने आइएगा। हाँ आता हूँ।
करती गुस्ताखियां जब भी देखूं तुझे शादी है मदहोशियां गम भी देता है हंसते हंसते ऐसा ये इश्क हुआ चाह के भी ना दिल की बातें खुद से ही ना कह सकूं दिल बेताबियां करके दिल करता शैतानियां दिल बेताबियां करके ए बंद कर तो ये गाना मेरे से ज्यादा सुमन अच्छा गाता है गाओ तो सुमन गा ला गिटार दे दो दिल की बेचैनियां करती गुस्ताखियां जब भी देखो तुझे ये लो लो पानी पी लो क्यों गया गा? सुमन अगर तुम कुछ दिन और ऐसे बिना ड्रग्स के रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम एवरीथिंग विल बी ऑल राइट अच्छा सुमन ड्रग्स नहीं ले रहा है नहीं पिछले एक महीने से सुमन बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं ले रहा और लेगा भी नहीं यस आई एम फ्रेश शुरू करो कल रात को मैंने एक नई ट्यून बनाई है अच्छा बहुत बढ़िया है सुनोगी सुनाओ ये सब क्या है ये सब कहां से आया अभी गाने के बीच में बाथरूम गया था ना गया और ले लिया सुमन ये सब क्या है नायरा ये सब ना मेरा नहीं है ये सब तो इसका है ये ड्रग लेता है मेरा ये मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ तुम्हारे सामने लेके आ गया क्यों बे कमी नहीं ये सब तो तू लेता है ना तू नायरा को बताना अच्छा, कि तू ड्रग लेता अच्छा, है बोल नायरा को बोल ना बता बता उसको अभी आया देखा अभी आया रुक बिना बात किए चला गया चोरे दिल में एक तो चोरी छुपे ड्रग लेता है फिर मुझे फंसाता है यकीन मानो अरे मेरी तरफ देखो मैं बिल्कुल फ्रेश हूं तो फिर ये सब किसका मेरा मैं ड्रग्स लेता हूं अब बोलना पूछो इससे इसका हाथ देखो हाथ दिखा अपना चल ये क्या है क्या है ये बोल मैं ड्रग लेता हूं तो तुम लोगों को क्या मैं ड्रग लेता हूं नायरा के सामने लाकर दिखा रहा है क्या तू मैं ड्रग लेता हूं ड्रग लेता हूं क्या कर रहा है मैं ड्रग लेता हूं मैं ड्रग क्या करेगा सुमन तू मार रहा है ड्रग लेता हूं तो तुझे क्या हो गया नायरा को क्यों बताया तूने सुमन मैंने कहा छोड़ दो राजू को छोड़ दो नशे में पागल हो चुके हो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है सुमन क्या समझ के रखा है हाँ? इस राजू के बोलने पर मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम जानवर से इंसान बन जाओ लेकिन तुम जानवर हो जानवर ही रहोगे कभी इंसान नहीं बन सकते Oh my God. You'll never change. तुम कभी नहीं बदल सकते तुम जानवर हो और जानवर ही रहोगे इधर देखो तुम्हारी ये शक्ल मुझे जिंदगी में कभी मत दिखाना समझे कभी भी नहीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जरा मेरे साथ चलिए ना आप कौन है मैं पुलिस चलिए
ए राजू आओ आओ बैठो बैठो। सुनो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारा दोस्त सुमन है ना, उसके बारे में एक दो सवाल पूछना है मुझे। क्या जानना चाहते हैं बताइए। तुम सुमन को कब से जानते हो? सुमन मेरे बचपन का दोस्त है, दरअसल वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर। हम लोगों को गाने का एक बैंड था, रॉकर्स। तुम्हें बुरा नहीं लगा जब उसने तुम्हें धक्का मारकर बैंड से बाहर निकाल दिया? अरे नहीं, बुरा क्यों लगेगा, दोस्त है ना मेरा। उस दिन शायद नशा उसे ज्यादा पड़ गया था, इसीलिए उल्टा सीधा बोल दिया उसने। तो फिर तुमने बैंड में कंटिन्यू क्यों नहीं किया? एक गिटारिस्ट के हाथ से जब गिटार छीन लिया जाता है तो मानो सब छीन लिया गया है। वैसे मैं सब कुछ भूल गया था, मैं उसके घर भी गया था और जाकर हालचाल जानने की कोशिश भी की थी। सुना है ड्रम्स वगैरह बेचकर घर में ताला वाला लगाकर फोन ऑफ करके कहीं भाग गया है। नायरा की शादी वो मान नहीं पा रहा है सर। तो क्या सुमन ने इसी वजह से ड्रग लेना शुरू किया? नहीं, ड्रग उसे पहले ही निकल चुकी थी, शादी के बाद थोड़ा और बढ़ गया और उसी की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ गया। ये लो पिछले महीने के YouTube का रेवेन्यू 7,000 रुपए। तुम लोग निराश मत हो प्लीज। हमारे कमाई का जरिया था YouTube और स्टेज शो, और एक टाइम पे तो बैंड का शो भी बंद हो गया, सिर्फ YouTube के पैसों से हमारा बैंड चल रहा था, और उसी वजह से सुमन फ्रस्ट्रेट होने लग गया। हमें अलग अलग कंपनी से बात करनी होगी, सारे यूट्यूबर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर किसी से बात कर रहा हूँ, हर एक म्यूजिक कंपनी में जा रहा हूँ, वो लोग मना कर रहे हैं। जितनी बार मना करेंगे उतनी बार जाऊंगा, जरूरत पड़े तो बार बार जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट तुम लोग निराश मत हो प्लीज। और एक बात और, नायरा को हमारी इस फाइनेंशियल चीजों के बारे में कुछ भी मत बताना, वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल है। सबसे उधारी चिल्लम चाली बहुत प्रॉब्लम्स थी। नायरा ने सुमन को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ड्रग लेते लेते सुमन की जो हालत हो गई थी, दुनिया की किसी भी लड़की के लिए वैसे इंसान के साथ घर बसाना मुमकिन नहीं था। उसके बाद भी नायरा ने बहुत कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पास सुमन के साथ वाली कोई फोटो है? क्यों नहीं होगी सर, उसका दोस्त हूँ। अच्छा मुझे फोटो व्हाट्सएप। हाँ श्योर। हाँ आतिक सुनो। जी सर। मैंने एक इंक्वायरी मेल तुम्हें सीसी किया है सर, जरा देख लेना। ओके सर। और जितनी जल्दी पॉसिबल हो मुझे फीडबैक देना। जरूर सर। ओके जी सर। जी जी ठीक है। सुमन तुझे यहाँ आने से मना किया था ना? ए भाई, भाई तू जरा वहां जाके बैठना, बैठ जा। बैठ 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 यहाँ जा बैठ। भाई थोड़ा सा दे देना, थोड़ा सा मुझसे सहन नहीं हो रहा है मुझसे यार, थोड़ा सा पैसा लेकर आया है भाई, थोड़ा सा दे देना भाई, भाई प्लीज भाई, भाई दे दे थोड़ा सा मुझे भाई। सुमन हट भाई, ऐसा मत कर भाई, भाई थोड़ा सा दे दे, सहन नहीं हो रहा है मुझे, मैं नहीं रह सकता इसके सिवा भाई, निकल जा तू मेरे अड्डे से, निकल जा, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है भाई, भाई दे दे थोड़ा सा, मर जा, मैं पैर फोड़ता हूं भाई, दे दे ना, मैं नहीं रह सकता भाई, भाई भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं भाई, भाई प्लीज दे दे, प्लीज दे दे, ये मेरी जिंदगी है भाई, थोड़ा सा दे दे वरना मैं मर जाऊं। जाता है कि नहीं? चल निकल यहां से, निकल। तो नहीं देखा क्या मतलब है? पहुंच गया, वो बंद रख वरना 6 की 6 गोली डाल दूंगा तेरे भेजे में, निकल जा। हट हट अरे हट, लाइ इधर से, पकड़ उसे, पकड़ उसे, पकड़ उसे, अरे मार उसे, मार उसे, मार उसे, मार उसे, मार 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 मार। सुमन, सुमन प्लीज, नहीं नहीं सुमन नहीं प्लीज,
फोन क्यों नहीं रिसीव करती? प्लीज मेरे घर परिवार से दूर हो जाओ, मेरा घर मत तोड़ो तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा है नायरा, हमारे बीच प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें जो भी पैसे चाहिए होते मैंने तुम्हें वो दिया, मेरे में प्रॉब्लम क्या है बताओ? मैं सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, ड्रग्स नहीं लेता, क्या ये प्रॉब्लम है? क्या यही प्रॉब्लम है? आई लव यू नायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्यों? हेलो, कौन बोल रहा है? सीआरडी ऑफिसर हामिद बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। जुलाई के महीने में तुम ढाका में थे या कहीं और थे? उस वक्त हम लोग नारायणगंज में थे सर। ओह, और वो सुमन तुम्हारा दोस्त और बैंड के बाकी लोग? हम लोग सभी वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे थे सर, सुमन के साथ हम सभी लोग उधर ही रहते हैं, हम सभी का घर वहाँ आसपास ही था सर। मतलब उस दिन तुम मुझे नारायणगंज की कहानी बता रहे थे? जी सर। अच्छा सुनो, इस केस के सारे अपडेट्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, हैं? अभी रखता हूँ, ठीक है? जी सर। हेलो सर। सर आपको याद है? क्या? सर एक साल पहले एक लावारिस लाश आपको हैंडओवर की थी, क्या आपको याद है सर? हाँ हाँ याद है सर। उस लाश के हाथ पर एक हैशटैग बना हुआ था, वैसा ही इस विक्टिम के हाथ में बना हुआ है। हैशटैग? जी सर। सर आपको इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन लग रहा है? Hope there is something. अच्छा अतिक, तुमसे बाद में बात करता हूँ। Thanks for your quick response. हाथ की रस्सी खोल दो। ओए, उस दिन तू मॉर्ग में लाश की ओर देख रहा था, याद है तुझे? कौन सी लाश? तुझे पता नहीं कौन सी लाश? सर नाटक करता है, पता नहीं है तुझे? बोल किसकी लाश थी? सर मुंह ढका हुआ था उसका। मुंह ढका हुआ था? पहले तो मुंह खुला हुआ था ना, और तू तो मॉर्ग में काफी देर से था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता। हाँ सर पहचानता था सर। कैसे पहचानता था? हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे सर। तूने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे नशे की आदत लगाई थी सर। अच्छा, ऐसे जो अमीर ज़ादे होते हैं ना सर, वो हमारा मेन टारगेट होते हैं, और ये तो सर
क्रिएटिव आदमी था, गाना वाना गाता था, इसीलिए मैं उसे एक दिन पकड़ के ले आया और पैसों की लालच में सर मैंने उसे नशे की लत लगा दी। पिछले दो दिन से मुझे अलमारी से दवाई मिली है। Look at me when I'm talking to you, damn it! तुम क्या कर रही हो? तुम हम दोनों को फंसा रही हो। तुम इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हो नायरा। मेरा ना सिर बहुत दुख रहा है, मैं एक मिनट में आई। तुम इतना नीचे गिर सकते हो? इतना नीचे? फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ, फोन उठाओ। मैं बहुत नीचे गिर सकता हूँ नायरा, मैं नरक के द्वार तक भी जा सकता हूँ। जी, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा जहर घुल चुका है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तो ठीक है ना, मैं पूरा जहर निकाल देता हूँ। मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 रुपए दे दो। प्रॉमिस। और तुम्हारा पति तो बहुत अमीर है ना? 1,00,000 रुपए तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बस मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 रुपए दे दो। मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। कभी सामने नहीं आऊंगा नायरा तुम्हारे। बस मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। आखिरी बार बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, आखिरी बार के लिए, आखिरी बार के लिए। प्रॉमिस नायरा। पैसे लेकर तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। ओके? ठीक है। सर अभी अभी गाड़ी निकल के गई है। सुनो, अभी तुम्हारा करंट लोकेशन मुझे व्हाट्सएप पर भेजो और तुम उस गाड़ी का पीछा करते रहो। ओके सर। सुमन, नायरा, नायरा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रुबेल, रुबेल, सुमन को ना पैसों की बहुत जरूरत है। इसने इसने मुझसे वादा किया है, ये आखिरी बार है, इसके बाद ये मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। नायरा, यहाँ किसी का नाम सुमन नहीं है। ये तो रहा सुमन। सुमन आपकी कल्पना है। 1 साल पहले यहाँ सुमन का खून हुआ था। आप जो भी सोच रही हैं, देख रही हैं, सब आपकी कल्पना है। आप कह रहे हैं मैं पागल हूँ? सुमन तुम कुछ बोलो। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नायरा यहाँ कोई नहीं है। ये तो रहा, यहाँ पर है सुमन। दिखाई तो नहीं दे रहा, कहाँ है? आप लोगों को देख क्यों नहीं रहा? अच्छा ये बताइए, सुमन ने कौन सी शर्ट पहन रखी है? सुमन ने डेनिम की शर्ट पहनी है। डेनिम की शर्ट ना? यस,
डेनिम की शर्ट पहन रखी थी। एक साल पहले जब सुमन मारा गया था तब उसने जीन्स और डेनिम की शर्ट ही पहन रखी थी। आप उसी दिन को अब तक देख रही हैं। एक साल पहले जब सुमन का खून हुआ था उसके बाद लावारिस लाश बोलकर पुलिस को सौंप दिया गया था। आप उस दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट के पीछे भाग रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने आपको उस मरीज का रिश्तेदार समझकर एक फॉर्म दिया और आपने वो फॉर्म फिलअप भी किया। आप जो कुछ भी कर रही हैं वो आपके अतीत की कल्पना है और वर्तमान एक इल्यूजन है और इसी वजह से आप नई नई कहानियां बना रही हैं। अब बोलिए मिस्टर रुबेल, सुमन का खून आपने कैसे किया? उसके सर में जो बुलेट मिली वो आपके पिस्टल की है, आपके लाइसेंस्ड पिस्टल की। और जो पिस्टल बरामद की गई है जिसे आपने छुपा कर रखा था उस पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। आपने ही सुमन का खून किया है। मैंने खून नहीं किया। आप ही ने किया है। मैंने खून नहीं किया। आपने खून किया है सुमन का। सुमन का खून मैंने नहीं किया है सर। आप ही ने खून किया है। आप ही ने किया है। नहीं किया है मैंने। आपने किया है। लो लो अपने पैसे लो। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे पैसों के लिए यहाँ बुलाया है? तुम किस चीज के लिए क्या और क्यों कर रहे हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए तुमसे। कैसी मुक्ति? तेरे चाहने से हो जाएगा क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे व्हाट्सएप पर फोटोज भेजते हो, वीडियोस भेजते हो, वायरल कर देने की धमकी देते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ? अरे पागलों की तरह प्यार करती हूँ तुमसे, पागलों की तरह। तुम मेरे दिमाग में कहीं रह गए थे इसीलिए तुम्हारे पास आती थी। लेकिन आज के बाद सुमन तुम जैसा इंसान टोटली मेरे दिमाग से शिफ्ट एंड डिलीट डिलीट। नायरा 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 मेरी बात सुनो प्लीज। हाथ मत लगाना। मेरी बात तो सुनो प्लीज। डोंट टच मी। किस बात का डोंट टच मी? किस बात का डोंट टच मी? ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुझे कभी टच ना किया हो, है ना? और ये सब पैसे वैसे गाड़ी वाड़ी ये सब छोड़ो। आई जस्ट वॉन्ट यू, आई जस्ट नीड यू, ओके? सुनो, बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसा नहीं करते, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ नायरा तुम खुश नहीं हो। ये तुम पर शक करता है नायरा, ये तुम पर शक करता है। क्यों बे कमीने, तूने मुझे मारा। तूने मार दूंगा तुझे। रख, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। स्टॉप इट। मारने की हिम्मत होगी तेरी? नायरा, चलो हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। हम लोग दूर चले जाएंगे, बहुत दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। हम दोनों का अपना घर होगा, सब कुछ होगा अपना। हाँ चलो मेरे साथ, चलो तुम, चलो 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 यहाँ से, चलो। चुप! तुम्हारे जैसे एडिक्टेड आदमी के साथ जाऊँ मैं? हाँ, जो पैसों के लिए गर्लफ्रेंड की जिस्म को बेचने की धमकी देता है, तुम पर करो ट्रस्ट। जो सुबह कुछ बोलता है और शाम को कुछ और बोलता है, तुम जैसे नशेड़ी से सिर्फ नफरत की जा सकती है, प्यार नहीं किया जा सकता। आई जस्ट हेट यू। तुम्हारे लिए मेरे अंदर रत्ती भर की फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? हाँ बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। Say you love me. I hate you so much, Suman. Hey, तुम मुझे शूट कर पाओगी? मैं तुम्हारा सुमन हूं नायरा। एक इंसान को मारने के लिए बहुत ज्यादा नफरत होनी चाहिए। क्या तुम मुझसे उतनी नफरत करती हो नायरा? उससे भी कहीं ज्यादा नफरत करती हूँ मैं तुमसे।
I hate you so much. Oh, say you love me, say, say, say. Bolo, bolo mujhse pyar karti ho. Bolo, bolo mujhse pyar karti ho. Bolo, bolo Suman, main tumhari hu. Bolo, bolo. Bol. Say you love me. Say you love me, Naira. Say Naira, you love me. Bolo. मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बोलो, बोलो, I love you, Suman. सॉरी नायरा, मुझसे गुस्से में सब कुछ हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, सॉरी. अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी सुमन. वो ड्रग्स नहीं लेता, वो हर बात पर तुम्हारी तरह मुझे इंसल्ट नहीं करता, वो मुझे तुम्हारी तरह जाने को नहीं कहता सुमन. ये आदमी मेरी बहुत रेस्पेक्ट करता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है मेरी, तुमसे हजार गुना ज्यादा प्यार करता है मुझसे. मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कहीं भी नहीं हूँ नायरा. बोलो, मैं कहीं भी नहीं हूँ तुम्हारी जिंदगी में. वो मुझसे बेटर है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ नायरा. तू अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी. मार, 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 मुझे मार दे तू. ऐसी तनाव भरी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे. नायरा, नायरा उठो, यहाँ से निकलना होगा. नायरा, नायरा उठो प्लीज.
दोबारा हमें यहाँ से जाना होगा। चलो। मिस्टर रुबेल, आपको हमारे साथ सीआईडी ऑफिस आना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। ए, इनको लेकर जाओ। चलो। मिसेज नायरा, आपको और क्या सजा दूं? आपको तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिल गई है। सुमन मर चुका है, अब आपको अपनी पूरी जिंदगी एक मरे हुए आदमी के साथ जीनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा अपना, चलता हूं।